एक्सी या फिर जो भी फाइल्स रिक्वायर्ड है या जो एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है वो कहाँ से ले सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल प्रोसीजर है, हमें सिंपली अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद हमें पाइथन .org टाइप करना है और इंटर प्रेस करना है। जैसे हम इसे प्रेस करेंगे एंटर, ये वेबसाइट ओपन होगी। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की। तो यहाँ पे आपको पाइथन की मतलब बोल सकते हैं कि अलग अलग वर्जन इंस्टॉल करने वो मिल जाएगा, और यहीं पे आप देख सकते हो कि एक पाई पाई करके है। तो ये जो है ये हमारे डिफरेंट व्हील फाइल्स रखते हैं। व्हील फाइल क्या होता है मैं आगे चल के बताऊंगा, बट इन शॉर्ट समझ लो कि कोई भी लाइब्रेरी दो तरीके से इंस्टॉल होता है। एक तो पिप के वे से इंस्टॉल होता है जो कि पाइथन में होता है हमारे कमांड विंडो के थ्रू, या तो फिर हम दूसरा एक वे यूज कर सकते हैं कि उसका जो प्री बिल्ड बाइनरीज होते हैं मतलब पहले से बनी हुई बाइनरी उसको यूज कर सकते हैं, वो हमारे इस पाईपाई से मिलेगा। तो वो केस में हमें क्या करना है, उसको सिर्फ उठा के यहाँ लाना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है, दैट्स इट। इसके लिए हमें इंटरनेट से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारे पास डाउनलोडेड व्हील फाइल है तो। लेकिन अगर हम पाइथन के वैसे करना चाहते हैं तो हमें इंटरनेट से कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब इस वेबसाइट पे तो आ गए हम। यहाँ पे अब हम देखेंगे तो बहुत कुछ हमें दिखेगा यहाँ पे कि अलग अलग कौन कौन से अनाउंसमेंट है, कौन कौन सा वर्जन है। तो अभी के लिए लेटेस्ट आप देख सकते हो कि अनाउंसिंग फेलोशिप प्रोग्राम कुछ तो, या फेलो मेंबरशिप प्रोग्राम फॉर Q2 2024 उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके अलावा अगर पाइथन का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है जिस पे वो वर्क कर रहे हैं या फिर उनका लॉन्च किया है उन्होंने, तो यहाँ देख सकते हो कि 3.14.0, 3.14.0 बेसिकली Alpha 1 वर्जन उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये ऐसा बोल सकते हैं हम कि एक जस्ट कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जब लॉन्च करते हैं तो हम एक अल्फा बीटा ये सारे वर्जन लॉन्च करके उसको टेस्ट करते हैं कि वेदर एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, और उसके बाद हम एक्चुअल वर्जन लॉन्च करते हैं। तो सिमिलर वे पाइथन वाले भी करते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने रिलीज किया है। अब नीचे ही थोड़ा आप देख सकते हो कि पाइथन का 3.13.0 फाइनल वर्जन रिलीज किया है। तो ये भी अल्फा बीटा ये सारे फेजेस से गया होगा एंड देन फाइनल वर्जन इसका आया है यहाँ पे हमारे पास। अब हमें कौन सा वर्जन यूज करना है, तो टू बी फ्रैंक जो भी हम मतलब अभी तक का जो नॉलेज है मेरा उसके हिसाब से हमें एक चीज तो मैंने सीखा है कि जो भी लेटेस्ट वर्जन है उससे एटलीस्ट 1 या 2 वर्जन बिफोर जाके हम जो भी डाउनलोड है वो कर सकते हैं। जैसे कि अभी लेटेस्ट हमारे पास 3.14 अल्फा है, लेकिन 3.13 का फाइनल वर्जन उन्होंने रिलीज कर चुके हैं वो। तो हमें क्या करना है, ये 3.13 से 1 या 2 वर्जन पीछे जा सकते हैं, मतलब हम 3.12 या फिर 3.11 का कोई भी वर्जन हम इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे विंडोज के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये यहाँ पे डाउनलोड देख सकते हैं, यहाँ पे ऑल रिलीजेस है, ठीक है। ऑल रिलीजेस में जाने के बाद हमें डिफरेंट डिफरेंट ओएस के लिए जो भी उनका रिलीज है वो सारे दिखेंगे। जैसे यहाँ पे विंडोज देख सकते हो आप, मैक ओएस देख सकते हो, और यहाँ पे सोर्स कोड है। तो ये सोर्स कोड कब काम आता है, जब हमें इन्हें लिनक्स या यूबंटू या ऐसे सिस्टम्स पे इंस्टॉल करना है तो सोर्स कोड या फिर RPM या बाकी सारी फाइल्स की जरूरत पड़ती है। बट अगर आप विंडोज पे हो या मैक ओएस पे हो तो आपके लिए प्री डिफाइंड बिल्ड बाइनरीज दी रहती है, आप उसका यूज करके इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे exe फाइल रहती है बेसिकली, जैसे हम बाकी के एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे। तो यहाँ हमें क्या करना है, अभी हमारा PC विंडो है तो विंडो पे जाएंगे हम विंडोज पे। अब विंडोज पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग वर्जन इंस्टॉल है। तो टाइमिंग के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे कि 3.12.7 का भी उन्होंने अक्टूबर 1 को एक वर्जन रिलीज